बच्चा मेरा है तो रहेगा मेरे साथ ही। जरूर रहता अगर तू और उसकी माँ आज साथ होते तो। आज वो मर चुकी और वो भी तेरी वजह से मरी है। बकवास मत कीजिए आप। आपकी बेटी कैंसर से मरी है, कैंसर से समझ लीजिए। लड़की उसकी जिंदगी नरक कर दी है। मुझे नहीं जाना। चल 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 यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चल मेरे साथ, यही रहेगा, बहुत बुरा होगा, यही रहेगा। चल प्लीज। चीजू क्या हो रहा है ये? हाशु बेटा पंप कहाँ है तेरा? पंप ला, पंप पंप। हाशु ये ले, खींच बेटा। हाँ जोर से खींच हाशु, ये ले इस पंप को अपने पास ही संभाल कर रख। हाँ पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? अरे ये चीजू क्या कर रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने, और कहाँ? क्यों अपने घर नहीं जा सकते? हाँ अब इसकी बाकी की दवाइयां दे, चल जा। ये छोटी सी बात पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बाप अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा है, इतना प्रॉब्लम क्या है आपको? तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। तू समझ रहा है क्या बेटा? बस जरूर आशु नीलेश बेटा, हाथ जोड़ता हूँ, इसे बात क्या कर जा। जीजू अरे छोड़ दे इसे। जीजू प्लीज, जीजू इसे रहने दे यहाँ पे। जीजू अब इसको छोड़ दीजिए। और फिर पिछले दो महीने से तो ये इधर ही रह रहा है, और फिर बिना माँ के ये बात बोलना जिंदा है तेरे सामने। बेटा छोड़ दे, बिना दीदी के ये चुपचाप अंदर बैठ। कैसी जिद कर रहे हैं, पागल बने के ये? प्लीज जीजू, अरे बच्चे का इतना ख्याल हम रखेंगे, तू नहीं रख सकता। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह है नीलेश सक्सेना। एक बाप की हैसियत से 5 जुलाई 2014 को ये अपने और दिवंगत विनी सक्सेना के बेटे यानी खुद के बेटे को उसके नाना नानी के घर से अपने घर लिवा ले गए। ठीक है योर ऑनर, बेटा अगर बाप के यहां नहीं रहेगा तो और कहां रहेगा? लेकिन आशीष सक्सेना यानी कि इनका बेटा, जिसकी कस्टडी की लड़ाई इस कोर्ट में है, उसके नाना नानी की फरियाद है कि वो इनके घर में यानी कि खुद के घर में ही उसका शोषण हो रहा है, वो असुरक्षित है, उसकी जान को खतरा है। योर ऑनर, ये पूरी कहानी बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। वकील साहब बेसलेस लॉजिक दे रहे हैं। कपूर साहब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, हैव पेशेंस। आप भी पेशेंस रखिए त्यागी साहब। Order. आप दोनों कोर्ट की मर्यादा बनाए रखें। यू मे प्रोसीड मिस्टर त्यागी। थैंक यू योर ऑनर। एक बाप को अपने बेटे को अपने घर लाए हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसे इन्होंने एक शानदार तोहफा दिया, उसकी नई सौतेली मां। आप देखो बेटा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बेटा, अभी विनी की मौत को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और
हमारी दूसरी शादी? हाँ तो क्या, ये मेरा पर्सनल मामला है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात मान, आशीष को हमारे साथ रहने दे। अब तो तेरी नई बीवी भी आ गई है ना? नानी। आजा बेटा, आजा। बेटा, हम पालेंगे इसे। तुम आते जाओ। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए, वरना ये तमाशा क्रिएट करूंगा मैं कि आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। नहीं बेटा, चलिए कह रहा हूँ आपसे, चलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, निकलिए, चलिए चलिए। ये नई वाइफ तो ले आए, लेकिन कुछ और भी था और शॉकिंग भी था, लेकिन इस बार इनकी पत्नी के लिए। अरे ये क्या चेंज कर लिया आपने? हाँ तो क्या करती, फिल्म की हीरोइन की तरह गहने लटके तुम्हारे सामने बैठी रहती। तुम भी यार मजाक कर रही हो क्या? ना, मैंने जस्ट सोचा कि मैं आहिस्ते से अपनी दुल्हन का घूंघट उठाऊंगा और उसके चांद से मुखड़े में। चांद के मुखड़े का नहीं, अपने चांद के टुकड़े का ख्याल करो। सुनो ना, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुमने शादी से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अपनी शादी की एनिवर्सरी पर। अच्छा एक और बात भी बता दूं, आप अपने लिए अपनी बीवी लेकर आए हो या फिर उसके लिए आया? यार समझने की कोशिश करो, हमारी लव मैरिज है, तो क्यों तुम ये सब बातें कर रही हो? एक और बात सुन लो, मैं कोई आया वाया नहीं बनने वाली तुम्हारे बच्चे के लिए। अरे यार समझने की कोशिश करो यार सुनीता, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, पर ये बेटा है मेरा और उसकी उसकी जरूरतें जो है। क्या जरूरतें? क्या बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए? अगर वो इतना ही जरूरी है तो जाओ उसके रूम में और जाकर उसको लोरी सुनाओ। मेरे पास क्या करना है? मेरी बात तो सुनो यार से। तुम भी यार सुनीता। अच्छा चलो मेरी माँ सुनो, मेरी दुल्हन तुम जो कहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? मेरी जिंदगी में पहले तुम और फिर कोई भी और, अभी तो ठीक है। दूसरा विवाह करना, वो भी एक जवान आदमी के लिए जब उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया हो, कोई अपराध तो नहीं? बिल्कुल नहीं योर ऑनर, दूसरा विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा जो अस्थमा से पीड़ित हो, जिसकी माँ को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हो, उस पर एक नई मां को थोप देना यह अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये तो सरासर क्रुएलिटी है। और तो और इनकी नई पत्नी को, मिसेस सुनीता को, इनका बच्चा फूटी आंख नहीं सुहाता। ये आपको किसने कह दिया सुनीता को फूटी आंख नहीं सुहाता? योर ऑनर, सुनीता जी अपने बच्चे को बेहद प्यार करती है, आशीष से बेहद प्यार करती है। निसंदेह योर ऑनर, वो बहुत प्यार करती है, आशीष से वो बेहद प्यार करती हैं, तभी तो सिर्फ 1 हफ्ते बाद आशीष के साथ एक ऐसी घटना घटी जो किसी का भी दिल दहला दे। तुमको हाथ लगाएगा तू? आज तो मैं तेरे कमरे बंद करूंगी, चल मैंने कहा चल, छेड़ेगा तू, चल ना, मैंने कहा चल, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर यार? क्या हो रहा है? मेरे मोबाइल के साथ खेल रहा था और जानते हो ना कितने का? पूरे 40,000 का। पापा मुझे इधर नहीं रहना। नहीं बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय, मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय बेटा, कुछ नानी के पास जाना है ना, भेज देंगे नानी के पास, ठीक है? अब फिलहाल दादी के पास जा। हाँ कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं,
नाइस बॉय नाइस। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या नहीं समझती मैं? मेरे मोबाइल को छेड़ रहा था वो। कमर देखे जा रहे हो? क्या है ये सब? इसकी माँ यानी कि मेरी पहली बीवी विनी की वसीयत। पढ़ो पढ़ो। 150 एकड़ जमीन मेरठ हापुड़ रास्ते पर, जिसकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ है, 200 करोड़। और इस वक्त ये मेरे बच्चे आशीष के नाम पर है। और जानती है उसका नॉमिनी कौन? कौन है इसका नॉमिनी? मिले सक्सेना। सुनीता एक बात समझ लो, मेरी विनी के साथ कभी जमी नहीं। अरे ये बच्चा तो अपने ननिहाल में ही ज्यादा बड़ा बड़ा है। हो सकता है वो मुझे अपना बाप तक नहीं मानता, लेकिन जैसे ही 18 साल का हो जाएगा ये सब उसके नाम। और अगर 18 साल के पहले वो मर गया तो मेरे, समझी? इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुम्हें विनती करता हूं कि कोई तमाशा खड़ा मत करो, प्लीज। योर ऑनर, ये मामला बहुत ही दर्दनाक है, फार्स से भरा हुआ है। मेरे मुवक्किल देवेंद्र वर्मा ने अपने नाती आशीष की कस्टडी का दावा इसलिए पेश किया है ताकि आशीष की रक्षा उसके पिता से की जा सके, क्योंकि उसको अपने पिता से ही खतरा है। योर ऑनर, किसी को कोई खतरा नहीं है, नहीं कोई उसकी वसीयत के पीछे पड़ा है। यह सिर्फ एक बुजुर्ग की इनसिक्योरिटी है, उसकी असुरक्षा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब पता नहीं कहां से बातें बना रहे हैं, एक वसीयत के आगे पीछे कहानी बुन रहे हैं। पर आप ही बताइए, पिता के घर पे बच्चे को क्या खतरा हो सकता है? मिस्टर अर्जुन देव, ये अदालत सबूतों से चलती है और मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। मैं सारे तथ्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में बच्चे के साथ क्या हुआ। क्योंकि सच है योर ऑनर, आशीष को उसके पिता के घर से बहुत ही जख्मी हालत में पुलिस ने बरामद किया और वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बहुत खराब है, उसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, उसे चोटें लगी हुई हैं। और इसे साबित करने के लिए मैं यहां इनकी बेड सर्वेंट फूलमती को बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है, आइए। तो बताइए, क्या आशीष हमेशा बीमार रहता था? हाँ साहब, आशु बाबा को दमा की बीमारी थी। उसका घर में कोई भी खाने पीने पे ध्यान नहीं रखता था। कभी कभी तो आशु बाबा दिन भर में एक ही बार खाते थे। बाजी, गुलाब जामुन ट्राई करना, बहुत टेस्टी बने हैं। दीदी, आशीष को भी एक थाली परोस दो। हाँ हाँ, परोस दो। ये सब क्या डाल रही है? वो देख, वो खिचड़ी पड़ी है, वो डाल। दीदी, दाल रोटी खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा, देखिए ना कैसे सुखड़ा सा हो गया अपना आशीष। तुझे जितना कहा जाता है उतना काम कर, समझे? वो खिचड़ी डाल प्लेट में और खिलाओ उसे। योर ऑनर, आशीष को आए दिन खाने को नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य गिरता गया, उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। तू सोया नहीं अभी तक? और यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? फालतू में बिजली का बिल बढ़ा रहा है, चल जा सोने। परेशान कर रखा है, अब जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अब आशीष के मामा सुकेश को यहां बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है, आइए मिस्टर सुकेश। मिस्टर सुकेश, क्या यह सच है कि आपको और आपके परिवार को आशीष से मिलने से रोक दिया जाता था, इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा? हाँ हाँ जज साहब, ये बात सही है, ये लोग हमको मिलने नहीं देते थे। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं प्याशु के पास खिलौने और उसकी चॉकलेट्स लेकर गया। प्रणाम जीजू, कैसे हैं आप? क्यों आए हो जीजू? वो मैं ना आशु से मिलने आया था। हॉबी क्लास गया हुआ है, बात क्या है? जीजू, बात क्या होगी?
वो मैं स्पेशली उसी से मिलने आया था। वो क्या है ना, मैं उसके लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट्स और उसके नहीं पता वो खिलौने और मत लाया करो ये सब। जीजू अब अपनों से ऐसे थोड़े ना खत्म किए जाते हैं रिश्ते। ये जीजू बीजू का चक्कर छोड़, विनी मर गई रिश्ता खत्म। और वैसे भी आशीष घर पे नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है, प्रणाम जी। मुझे यकीन है कि आशीष उस दिन वहीं था और इसने मुझे आशु से नहीं मिलने दिया। और जज साहब, मुझको किसी के जरिए पता चला कि आशु ने नाना को फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो? मैं नानू को अभी तक ढूंढा नहीं। तू नानू 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 आप जा सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बच्चा अपने बाप के घर पर था और यही बात शायद उसके लिए सबसे बुरी थी कि वो अपने बाप के घर पर था, क्योंकि उसके खुद के घर वाले उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। पहली बात तो बच्चे के खाने पीने में कभी कोई कसर नहीं रखी गई थी। हाँ, ये बात सच है कि मामा सुकेश आए थे घर पे और उन्हें कहा गया था कि बच्चा हॉबी क्लासेस गया, और वो एक्चुअली हॉबी क्लासेस ही गया था। इस बात का सबूत है हमारे पास। ये रही योर ऑनर हॉबी क्लासेस की रसीद। मिस्टर अर्जुन देव, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जो साबित करना चाहें साबित करते रहिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, बच्चा बच गया, भाग्य से बच गया, बाय चांस बच गया, वरना। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, चल तू बैठ, मैं आती हूँ। और आंटी, नीलेश कहाँ है? सुनीता और वो कहीं बाहर गए, आते होंगे। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। आशीष, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। आशीष, अरे तू अपने कमरे से बाहर क्यों आया? जा जल्दी अपने कमरे में जा, जा जा जल्दी जा, आएंगे तो डांटेंगे। अभी आशीष को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है उसकी, शरीर पर इतने चोट के निशान। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, उसको अस्थमा है ना, और फिर ऊपर से वो। अच्छा ये बता, तू दिल्ली से कब आया? वरना इन्होंने तो उसे मारने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। और इस बात को साबित करने के लिए मैं इनके कॉमन फैमिली फ्रेंड अतुल को यहाँ बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। अतुल जी आइए और कोर्ट को बताइए। सर, मैं विनी और नीलेश का पुराना दोस्त हूँ, दोनों परिवार को मैं अरसे से जानता हूँ। मैंने नीलेश के घर जो देखा, फिर मैं सीधे विनी के घर चला गया। अब क्या बताऊँ मैं अंकल आप, जब मैंने अपने आशीष को देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से बीमार हो, और वो तो चल भी नहीं पा रहा। कि तो छोड़ूंगा नहीं उसे। छोड़ूंगा, निकल। दोबारा याद दिखाना, मुंह तोड़ दूंगा साले, जान से मार दूंगा तुझे। छोटे बच्चे पे हाथ उठाते हुए। हम उसको लेने आए हैं। अरे बड़े आए ले जाने वाले, तू निकल यहाँ से।
निकाल निकाल। हम पुलिस को बताएंगे। अरे जाइए जाइए, जिसे बुलाना है बुलाइए। जा रहा है। तुझे कोर्ट में देखेंगे अभी, कोर्ट में। जाइए चलिए कोर्ट कोर्ट हमारे। योर ऑनर, मैं अब अपने मुवक्किल देवेंद्र वर्मा जी को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। देवेंद्र जी आइए। बताइए योर ऑनर, अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है एक बाप ही जानता है। मैंने अपनी बेटी खोई है। ये इंसान जिसने मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा। नहीं सुनिए मुझे तुम्हारी बकवास। मेरी बेटी विनी को कैंसर हो गया था, अब वो नहीं रही। 7 साल का आशीष उसी का बेटा, कैसा बाप है। दौलत के लिए आशु को, अरे तू मेरी सारी दौलत ले ले, मेरे बच्चे को मुझे दे दे। योर हमारे कंप्लेंट की वजह से पुलिस ने हमारी मदद की और आशु को इसके घर से ले आई। मैं बता नहीं सकता हूं आपको योर ऑनर की बच्चे की क्या हालत थी। बीमार, इतना डरा हुआ, इतनी चोटें लगी हुई थी उसे कि पुलिस को उसे सीधे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। योर ऑनर, इस नीलेश सक्सेना की जातियों का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इसने अपने ही बेटे पर इतनी जातियां की कि उसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। योर ऑनर, एक्चुअली मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की दाद देना चाहूंगा। अमेजिंग जॉब ही इज डन। इन्होंने बातों ही बातों में इस पूरे मामले को एक कहानी, एक नए ड्रामा की शक्ल दे दी। पर सच्चाई ये है, इनकी सारी बातें बेबुनियाद है। इनकी भाषा में अगर कहा जाए तो स्वरचित, सेल्फ क्रिएटेड। दैट्स ऑल। मिस्टर निलेश और इनकी वाइफ सुनीता ने नहीं सिर्फ बच्चे को अपना माना, बल्कि पूरे मन से तन से उसकी परवरिश की, उसे माँ बाप का प्यार दिया। आज मैं आशु को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। लो, गुड। बस अब नहीं खाना, पेट भर गया। लास्ट लास्ट बट अब फिनिश कर दो। ओके लास्ट। अच्छा जूस पीना, जूस मैंगो का जूस। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा। सुनीता, आज के बाद आशीष की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि उसे विनी की कमी महसूस ना हो। योर ऑनर, अभी भी मेड सर्वेंट ने बताया कि घर वाले आशीष को खाना नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो वी हैव योर परमिशन, मैं उन्हें वापस फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा उनकी बात कंप्लीट करने के लिए। इजाजत है। थैंक यू सर। फूलमती जी, आप अपनी बात कोर्ट को अब बताइए पूरी तरीके से। हाँ साहब। दीदी जी कहती थी कि आशु बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। दीदी, आशीष को भी एक थाली परोस दो। हाँ हाँ परोस। ये सब क्या डाल रही है? वो देख, वो खिचड़ी पड़ी है, वो डाल। दीदी, दाल रोटी खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा, देखिए ना कैसे सुकड़ा सा हो गया अपना आशीष। तुझे जितना कहा जाता है उतना काम कर, समझी? वो खिचड़ी डाल प्लेट में और खिलाओ उसे, जा। अर्सुल, तुम्हें पता भी है कि मैं ये सब क्यों मना कर रही हूँ? ये सब खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने मना किया उसे ये सब देने के लिए। रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती है, सांस फूलने लगती है उसकी। उसके लिए खिचड़ी अच्छी है, उसे खिचड़ी खिला, जा। डॉक्टर ने उन्हें तला और भुना खाने से मना किया था, इसलिए बस आशु बाबा को खिचड़ी और दाल का पानी ही दिया करते थे। आपने देख लिया योर ऑनर, किस तरह अधूरा सच बयान करके प्रोसिक्यूटर साहब
कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का काम कोर्ट को गुमराह करना नहीं बल्कि सच को सामने लाना है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। डिफेंस व्यक्तिगत आरोप से दूर रहे तो अच्छा है। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट का ध्यान एक और मुद्दे की तरफ लाना चाहूंगा। आशीष के शरीर पर लगी चोट, इस बाबत अगर मिस्टर नीलेश खुद कोर्ट को ये बताएं तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। योर ऑनर, 12 सितंबर 2014 को मैं और मेरा बेटा लाला लाजपत राय मार्केट से जा रहे थे। सामने नो एंट्री से एक कार वाला आया और हमारी बाइक से टकरा गया। चोटें उसी की वजह से लगी है उसे। इसका सबूत है हमारे पास। ये रही एफआईआर की वो कॉपी जो उस दिन निलेश ने कार वाले के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई थी। ये हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, ये हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयों के बिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां निलेश आशीष को इलाज करवाने लेके गए। आशीष के शरीर पर लगी चोटें आशीष के माँ बाप की देन है। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन के दिमाग का फितूर है और कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। डिफेंस कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें और कोर्ट में मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें। योर ऑनर, इन दोनों परिवारों के कॉमन फ्रेंड अतुल ने जो भी देखा और सुकेश का आशीष से ना मिलना एक महज संयोग है। I would call it a very bad incident. योर ऑनर, इस बार डिफेंस कोर्ट को भ्रमित कर रहे हैं। यानी पहले आप गुमराह कर रहे थे? नहीं, ना पहले ना अब। योर ऑनर, अगर ये मान भी लिया जाए कि आशीष को उसके घर में बंधक बनाकर नहीं रखा गया था, लेकिन ये सवाल तो फिर भी है कि फिर वो क्यों इतना बीमार हो गया कि पुलिस को उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा? किसकी वजह से? इन्हीं माँ बाप की वजह से जो उसकी सेवा कर रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू। आप चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कहेंगे वो सच हो जाएगी क्या? कहां से आप प्रूव कर रहे हैं कि माँ बाप की वजह से उसका स्वास्थ्य गिरा था? प्रोसिक्यूशन के पास अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत या कोई एविडेंस? जी है सर। योर ऑनर, मैं मिस्टर नीलेश से सिर्फ एक सवाल पूछने की परमिशन चाहता हूं। प्रोसीड। मिस्टर नीलेश, आपके पास आपका बेटा पिछले 3 महीनों से था आपके घर पर और वो अस्थमा का पेशेंट है। इन पिछले 3 महीनों में जबकि वो आपके घर पर था आपके पास, क्या कभी आपने उसके लिए दवाई खरीदी? बोलिए, जवाब दीजिए। योर ऑनर, इनका मौन ही इनके गुनाह का सबूत है कि इन्होंने पिछले 3 महीनों में अपने बीमार बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं खरीदी। झूठ है ये। अरे जो मुंह में आए अनाप शराब पके जा रहे हैं आप। जज साहब, आशु को कायदे से नियम से रोज उसकी दवाइयां दी जाती थी, लेकिन दवाई तो आपने कभी खरीदी ही नहीं। दवाई थी मेरे पास, आई कहां से? जज साहब, जिस दिन मैं आशु को उसके ननिहाल पिकअप करने गया था तो उसके मामा सुकेश ने मुझे बताया कि उसके 3-4 महीने की दवाई की स्टॉक है, मौजूद है, जरूरत ही नहीं पड़ी दवाइयां खरीदने की। योनर, इन्हें दवाई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनका बच्चा बीमार था, कैसे माँ बाप है ये कि इन्हें दवाई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन बात को बिना वजह फिर से खींच रहे हैं। अभी अभी इन्होंने कहा कि घर पे दवाई थी, इतनी थी कि जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मुद्दा बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है। बच्चे को दवा दी जा रही है फिर भी उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। दवा देने के बाद ठीक होने के बजाय और बिगड़ रहा है, ऐसा क्यों? जज साहब, ये बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं रोज देख रहा था उसको और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इसलिए मैं उसे अपने पर्सनल फिजिशियन के पास भी लेकर गया। समझ नहीं आ रहा, ब्लड में WBC बहुत बढ़ गया और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया और वजन 2 हफ्ते में करीब 6 किलो से ज्यादा घट गया है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है कि हमें सीनियर कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। जज साहब, फिजिशियन से मिलने के बाद हमने ये डिसीजन भी लिया कि एक सेकेंड ओपिनियन लिया जाए सीनियर कंसल्टेंट से, लेकिन इससे पहले कि हम उसे ले जाते ये सब हो गया। बच्चे की तुरंत एक मेडिकल पैनल द्वारा जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते यानी कि 26 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट तब तक के लिए मुलतवी की जाती है।
की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह है आशीष की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें चौंका देने वाली बात सामने आई, जिसे डिटेल्स में जानने के लिए मैं डॉक्टर खुराना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट की डिटेल्स जरा कोर्ट को बताएंगे आप? श्योर सर। योर ऑनर, आशीष सक्सेना के ब्लड टेस्ट में हमें कार्सिनोजेनिक ड्रग, एक जहरीला सब्सटेंस सोडियम सिलिकेट मिला। थोड़ी थोड़ी मात्रा में काफी अरसे से उसके शरीर में जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार बीमार पड़ता जा रहा। डॉक्टर साहब, इस दवा का अस्थमा से कोई कनेक्शन? जी नहीं, इसका अस्थमा से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसिक्यूशन को डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है? यू मे प्रोसीड। यस योर ऑनर। डॉक्टर साहब, क्या आपके एग्जामिनेशन से ये बात पता चलती है कि आशीष को दिए जाने वाली वो जहरीली दवाई, क्या नाम बताया आपने उसका? सोडियम सिलिकेट। वो कितने अरसे से, मतलब कब से दी जा रही थी? योर ऑनर, ये सवाल प्री जुडिशियल पूर्वाग्रह से भरा हुआ, लेकिन बहुत ही जरूरी है और टेक्निकल भी। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए। बच्चे की हेल्थ को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि करीब 3 महीने से उसे ये जहर दिया जा रहा था। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि जब तक उनका नाती आशीष उनके पास था, वो कभी बीमार नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसे वो जहरीली दवा पिछले 3 महीने से दी जा रही थी, पिछले वो 3 महीने जब बच्चा अपने पिता के साथ उनके घर पर था। फिर भी इससे ये साबित नहीं होता है कि ये जहर उसके माँ बाप ने उसे दिया। योर ऑनर, डिफेंस को क्या सबूत चाहिए? बच्चा पिछले 3 महीने से अपने माता पिता के घर पर था, उनके हाथ से खा पी रहा था, यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता था। स्कूल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, और तबीयत इसलिए ठीक नहीं थी क्योंकि वो जो कुछ भी खाता पीता था अपने माँ बाप के हाथ से खाता पीता था। योर ऑनर, एक बात और, वसीयत के अनुसार आशीष के मरने पर सारी जायदाद उसके बाप के नाम पर हो जाती, तो इनके पास उसे मारने का मोटिव था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये जहर उसको उसके माँ बाप के घर में ही दिया गया था। डॉक्टर साहब, ये बात आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। योर ऑनर, आपके पास बड़े एविडेंस में एक दवा है, एक बहुत ही खतरनाक केमिकल, सोडियम सिलिकेट। इनफैक्ट आशीष के डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब नहीं किया था, वो उसे प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते क्योंकि ये खेतों में कीड़े मारने के काम आती है, इट्स ए पेस्टिसाइड। और ये दवाई मिस्टर नीलेश आशीष के ननिहाल से लेकर आए, यानी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जहरीली दवाई आशीष की ननिहाल से आई थी। तो फिर कहां से आई थी? योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आता, प्रोसिक्यूटर पिछली हियरिंग में पूरा जोर लगाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नीलेश ने कोई दवाई खरीदी नहीं, और अब मोटिव। योर ऑनर, मोटिव, आशीष के नाना के पास उसे मारने का कोई मोटिव नहीं था, जबकि आशीष के फादर के पास उसे मारने का मोटिव था, वो वसीयत। योर ऑनर, मैं कोर्ट को कुछ बताना चाहूंगा। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहेंगे। ठीक। योर ऑनर, आशीष को कोई जहर दे सकता है ये सोच के मेरा दिल दहल जाता, और अगर नीलेश ने ऐसा किया है और वसीयत के लिए किया है तो मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि उसका ऐसा करने से उसका कोई फायदा नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि शायद उसे मालूम नहीं है और इस कोर्ट को भी नहीं मालूम विनी ने अपने जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में वसीयत को बदल दिया था। मेरे जाने के बाद आप आशु को अपने पास ही रखिएगा। नीलेश ने कभी मेरी और उसकी कदर नहीं की है, सारी जिंदगी लड़ता ही रहा। मत कर उसकी बात बेटा। कद्दू ने नाम की हुई से की थी, उनकी खुद की मेहनत की कमाई की संपत्ति थी,
विश्व अपनी जान छिड़कते थे, इसलिए मेरे और सुकेश के नाम घर छोड़ के सब तुम्हारे नाम कर दिए। अच्छा ही किया ना पापा। मेरे जाने के बाद आशु को सब कुछ मिलेगा, पर नॉमिनी ना निलेश है। मैंने चाहती कि निलेश को हमारी एक फूटी कौड़ी भी मिले। पापा आप ना वसीयत के पेपर्स फिर से बनवा दीजिए आशु के नाम की। मैं चाहती हूँ कि आपको नॉमिनी बनाकर जाऊं। सुकेश तो पेपर बनवा दे, मैं साइन कर दूंगी। योर ऑनर, इस वक्त ये वसीयत पूरी तरह से आशु के नाम है और उसका नॉमिनी मैं खुद। रजिस्ट्रार ऑफिस से विन्नी सक्सेना की विल की नई कॉपी मंगवाई जाए। कुछ देर के लिए कोर्ट मुलतवी की जाती है। कैसे लोग हैं ये, एक मासूम बच्चे को मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, सब ट्रस्ट के नाम लिख दूंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए हमें, माता रानी हमारे बच्चे को बचा ले। आपने ये वसीयत पढ़ी है मिस्टर देविंदर जी? नहीं। देखिए, इस वसीयत के अनुसार आशीष को मिलने वाली सारी संपत्ति में नॉमिनी आप नहीं है मिस्टर वर्मा। भगवान ना करे कि आशीष सक्सेना को कुछ हो जाता है तो उसकी तमाम संपत्ति जो कि मार्केट आंकलन के अनुसार 250 करोड़ की है उसके मामा सुकेश को मिलेगी। ये वसीयत किसने बनवाई थी? शायद मैं नहीं बनवाई थी। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं जज। जज साहब, उस रोज 5 जुलाई 2014 को जब मैं अपने बच्चे को लेके उसके ननिहाल से जा रहा था, जीजू ये आंशु की दवाइयां रह गई थी, ये आप ना इसको दिन में 2 देते। वो सारी की सारी दवाइयां उसके मामा सुकेश ने दी थी मुझे। एक लापरवाही हो गई मुझसे, जैसे कि उन दवाइयों को बिना जांचे पर इन्हीं हाथों से उस नली सी जान को मैं देता रहा 2 दिन में। साथ 2 आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। जान से मार दूंगा। सुकेश को तुरंत हिरासत में लिया जाए। सुकेश कोर्ट में है? नहीं है योर ऑनर। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट तब तक के लिए मुलतवी की जाती। सर, ये तो नाइंसाफी हुई ना। विन्नी मेरी बहन है और जायदाद पर बच्चों का बराबर अधिकार होगा। जज साहब, आप ही बताइए, मेरे दादू ने पापा को मकान दिया जो उनके बाद मुझे मिलेगा, और जो हमारी 150 की सारी जमीन थी वो सारी की सारी विन्नी के नाम कर दी। मुझे क्या मिलता जज साहब? ये तुच्छा सा घर। नहीं जज साहब, मुझे मेरा असली हिस्सा चाहिए था। असली हिस्सा? हाँ, मैं अपने दादू को बहुत प्यार करता था, और मेरे दादू बिन्नी को, क्योंकि वो स्कूल में कॉलेज में अव्वल आती थी ना, और मैं स्कूल ड्रॉप आउट आवारा। हाँ जज साहब, मैंने ही उसी दवाई में जहर मिलाया था, और जब मैंने देखा कि जीजू आशु को लेके जा रहे हैं
तो मैंने ये दवा की शीशी उनको पकड़ा दी और वो ये दवाई आशु को देते रहे। और अगर ये दवाई वो आशु को और दिन देते ना तो सच कह रहा हूँ जज साहब, आशु बचता नहीं। एक बच्चे के प्रति ऐसा निर्ममता का उदाहरण, वो भी अपने घर के लोगों के द्वारा, ये मेरी नजर में पहला है। एक बीमार बिन माँ की औलाद के साथ ऐसी क्रूरता कहीं नहीं देखी। लेकिन ऐसा ही हुआ है तो केश ने ना केवल अपने भांजे के प्रति अपराध किया है बल्कि उसने अपनी मरी हुई बहन के साथ भी धोखा किया है। कोर्ट ने सुकेश वर्मा को आईपीसी की धारा 307 कत्ल करने की कोशिश और 507 शारीरिक चोट पहुंचाने के जुर्म में दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया तथा नीलेश सक्सेना के विरुद्ध सबूतों के अभाव के कारण उस पे लगे सभी आरोप खारिज करते हुए उसे बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।